हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड। कल मैंने आपका जो लेक्चर लिया था वो टिश्यूज़ की डेफिनेशन बताई थी मैंने, एंड टिश्यूज़ की क्लासिफिकेशन बताई थी मैंने आपको, जिसमें मैंने मैस्मेटिक टिश्यूज़ के बारे में आपको सारा समझा दिया था। आज हम परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में देखेंगे। परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में वैसे तो मैंने आपको सब बता दिया था, ये जो परमानेंट टिश्यूज़ होती हैं इनको भी आगे फिर क्लासिफाई किया गया है, जो कि मैंने चार्ट में आपको दिखाया है। इसमें हम आज सिंपल टिश्यूज़ के बारे में पहले पढ़ेंगे। सिंपल टिश्यूज़, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ और सिक्रेटरी टिश्यूज़ होते हैं। तो जो सिंपल टिश्यूज़ होते हैं इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सिंपल टिश्यूज़ वो कोशिकाएं होती हैं जो संरचनात्मक रूप से एक समान होती हैं और सभी एक ही प्रकार का कार्य करती हैं। ये पतली होती हैं, कभी कभी मोटी भी होती है, जो भित्ति युक्त होती है, मोटी भित्ति युक्त भी होती हैं कभी कभी। ये जीवित होती हैं और मृत भी हो सकती हैं। इनको आगे तीन में से डिवाइड किया गया है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो होता है ये, इसको हिंदी में मृदोत्तक कहा जाता है। आज मैं सिंपल टिश्यूज पढ़ाऊंगी आपको, जो चार्ट में आपको सामने दिखाई दे रहा है। पैरेन्काइमा जो होता है वो, इसको मृदोत्तक भी कहा जाता है। ये पतली भित्ति युक्त होता है, इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और ये करीब करीब पौधे के सभी भाग में पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को पादप का आधार भाग बनाती हैं ये। इन्हें भरण उत्तक का, जैसे जो ग्राउंड टिश्यूज हैं उनका मुख्य पार्ट भी कहा गया है। पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ का ओरिजिन जो है वो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से होता है और ये ग्राउंड टिश्यूज़ का मुख्य पार्ट बनाती हैं। प्लांट का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होता जहां मृदोत्तक टिश्यूज़ नहीं पाई जाती हों। प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स में पाए जाने वाले काष्ठ और फ्लोएम मृदुतक, फ्लोएम पैरेन्काइमेटस टिश्यूज में प्रोकैम्बियम और द्वितीयक वृद्धि के दौरान बनने वाले काष्ठ व फ्लोएम मृदुतक तथा मज्जा रश्मियों का निर्माण, मतलब वेस्कुलर और कॉर्कैम्बियम से होता है। तने, स्टेम और रूट्स के कॉर्टेक्स में, पिथ में और पर्णव्रंतों में के ग्राउंड टिश्यूज में ये पाई जाती है और पत्तियों के मध्योतक में, मध्योतक मीन्स जो मीजोफिल टिश्यूज होती हैं, और फलों में जटिल उत्तकों के सहित सभी में ये मध्योतक पाई जाती हैं। एंडोस्पर्म और स्टोरेज टिश्यूज भी परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमेटस टिश्यू से ही बनते हैं। अगर हम इनकी शेप के बारे में देखें तो ये क्योंकि ये प्लांट के बहुत सॉफ्ट पार्ट्स का मुख्य भाग बनाती हैं, इसलिए ये आकार, अलग अलग आकार की पाई जाती हैं। ये चौड़ी भी होती हैं, आइसोडायमेट्रिक भी होती हैं, लंबी भी होती हैं, लोब्ड भी होती हैं। इनकी अलग अलग जगह पे अलग अलग शेप होती है। फिर हम देखेंगे कि पैरेन्काइमेटस टिश्यूज को इनके विभिन्न कार्यों के अनुसार ये कई रूप और कई आकार ग्रहण कर लेती हैं और उसके अकॉर्डिंग इनको आगे क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि एसिमिलेटरी पैरेन्काइमा। एसिमिलेटरी पैरेन्काइमा जो होती हैं ये हरित लवक कहलाती हैं, इनके अंदर हरित लवक उपस्थित होता है,
इसलिए इन्हें हरि हरित उत्तक कहा जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण करती हैं, फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए इन्हें एसिमेट्री पैनकाइमा भी कहा जाता है। ये पत्तियों में ये कोशिकाएं मीजोफिल के नाम से होती हैं, जो कि दो भागों में आगे डिवाइड किया है, जैसा कि मैंने सामने आपको टेबल में भी बोर्ड पे भी बताया है। एसिमिलेटरी पैरेन्काइमा को आगे दो में डिवाइड किया है, पैलिसेड टिश्यूज एंड स्पंजी टिश्यूज। जो पैलिसेड टिश्यूज होते हैं ये हरित ऊतक इनके अंदर बहुत अत्यधिक मात्रा में होता है, और ये थोड़े से लंबे भी होते हैं। पैलिसेड टिश्यूज थोड़े से लंबे होते हैं, ये इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल एब्सेंट होती है, और ये ज़्यादातर डाइकोटिलेडन्स जो लीव्स होती हैं उनके एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है, परंतु मोनोकॉट लीव्स के अंदर ये ऊपरी और निचली दोनों एपिडर्मिस के पास में पाया जाता है। जो स्पंजी टिश्यूज़ हैं ये कोशिकाएं पैलिसेड टिश्यूज़ के लीव्स में, पैलिसेड टिश्यूज़ के नीचे या थोड़ा मध्य में पाई जाती है। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस काफ़ी बड़ी होती है और छोटी भी हो सकती है, क्योंकि इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होती है, इसलिए ये स्पंजी भी होते हैं। फिर पैरेन्काइमा को एसिमिलेटरी पैरेन्काइमा के बाद एरेन्काइमा में विभाजित किया गया है। ये जो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज होते हैं इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिस कारण से ये प्लांट को बॉयंसी प्रदान करते हैं, और इस प्रकार जो है ये जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं ये ज़्यादातर हाइड्रोफिटिक प्लांट्स में पाई जाती हैं। अब है प्रोजेनकाइमा। ये जो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज होती हैं ये भित्ति इनकी बहुत स्थूलित होती है, और ये ज़्यादातर प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करती है। फिर है स्टोरेज टिश्यूज़। कुछ पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ में स्टार्च, प्रोटीन, ऑयल, क्लोरोफिल, शुगर, ग्लूकोज, टैनिन, अल्कलॉइड्स, और ये काफ़ी विलयन के रूप में कोशिका के अंदर द्रव्य में ठोस या तरल रूप में उपस्थित होते हैं, इसलिए इन्हें स्टोरेज टिश्यूज़ भी कहा जाता है। जिन पैरेन्काइमा में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं उन्हें स्टोरेज टिश्यूज़ नाम दिया गया है। फिर है ईडियोब्लास्ट। वो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ जो दो समान मृदुतक कोशिकाओं के बीच में, एक बड़ी पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ होती है जो बड़ी विचित्र सी दिखाई देती है, और इस कोशिका के अंदर ऑयल, तेल, टैनिन, रेफाइड्स, कैल्शियम ऑक्सीजेट के क्रिस्टल का स्टोरेज होता है। इसके अलावा डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी ये सिक्रीट करते हैं। इन्हें ईडियोब्लास्ट सेल्स या ईडियोब्लास्ट पैरेन्काइमा टिश्यूज़ कहा जाता है। ये मैंने आपको पैरेन्काइमा टिश्यूज़ के अलग अलग प्रकार के बारे में बताया है। अब हम पैरेन्काइमा टिश्यूज़ के फंक्शंस के बारे में जानेंगे। ये जो लिविंग टिश्यूज़ होती हैं इनके अंदर क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण करके खाद्य पदार्थ बनाने में सक्षम होती हैं। जो ताराकार मधुतक को जलोद्भिद पादपों में या स्थलीय पादपों में प्रोजेनकाइमा की कोशिकाओं के रूप में यह जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करती हैं प्लांट्स को। कुछ कोशिकाओं के अंदर क्योंकि मंड, स्टार्च, टैनिन, प्रोटीन, फैट, शुगर, ऑयल, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल आदि इनका भी स्टोरेज होता है, इसलिए इन्हें स्टोरेज या सेक्रेटरी कोशिकाओं का रूप भी इस रूप में भी ये कार्य करती हैं। इसकी जो कोशिकाएं मायोसमेटिक कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं, वैसे तो ये परमानेंट टिश्यूज हैं, पर कई बार कुछ पैरेन्काइमेटस टिश्यूज जो होती हैं, सिर्फ पैरेन्काइमेटस टिश्यूज, नॉट कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ओनली द पैरेन्काइमा टिश्यूज, जो है द्वितीय वृद्धि के समय वापस मैस्मेटिक बन जाती हैं, डिवीजन के लिए तैयार हो जाती हैं। जैसे कि दो समन फूलों के मध्य स्थित मृदुतक की कोशिकाएं
जिसे हम इंटरफेस्कुलर कैम्बियम भी कहते हैं, या अधश्चर्या की कोशिकाएं कॉर्क कैम्बियम के निर्माण में के समय काम करती हैं। तो ये द्विबीजपत्री पादपों की जड़ों में भी द्वितीय वृद्धि के समय जो है रेडियल वेस्कुलर बंडल के मध्य में उपस्थित जो पैनक्रियाटिक टिश्यूज हैं उन्हें भी वहाँ पे भी उपस्थित होती हैं ये। तो इस तरह से ये जड़ में द्वितीय वृद्धि भी, इनसे द्वितीय वृद्धि भी होती है। तो ये एकमात्र पैनक्रियाटिक टिश्यूज हैं जिनके अंदर वापस मैस्टमेटिक या डिविजनल होने की क्षमता होती है, और ये इस तरह से बीच बीच में मैस्मेटिक होकर के कभी अंतःपुलीय एधा बनाती हैं, और कभी ये बीच बीच में रेडियल वेस्कुलर बंडल्स के बीच में उपस्थित होती हैं, कभी ये पिथ में होती हैं। तो ये इनकी एक फंक्शन होता है। जो ज़ेरोफिटिक कंडीशंस में पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं उनकी जो पैनक्रियाटिक टिश्यूज होती हैं उनके उनके जो सेल्स होते हैं पैनक्रियामा सेल्स जो होते हैं उनकी जल संग्रहण करने की बहुत अच्छी क्षमता होती है, क्योंकि इनमें रिक्तिकाएं बहुत बड़ी बड़ी पाई जाती हैं जिसमें कुछ श्लेष्मी पदार्थ भरा होता है जो जल संग्रह करने में की क्षमता रखता है या बढ़ाता है। तो ये जल संग्रह भी बहुत अच्छा कर लेती हैं। पैनक्रियाटिक टिश्यूज में विभाजन करने की, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैस्मेटिक हो जाती हैं और डिवीजन शुरू हो जाता है इनके अंदर, ऑल्दो दे आर परमानेंट टिश्यूज, पर सिर्फ मात्र एकमात्र पैनक्रियाटिक टिश्यूज में ही क्वालिटी होती है कि ये मैस्मेटिक होकर डिवीजन कर लेती हैं, और इससे इस डिवीजन से बार बार विभाजन करके ये मृदुतक कोशिकाएँ जो होती हैं ये घाव भरने में भी सहायक होती हैं। इनकी कोशिकाएं परमानेंट सॉरी पैनक्रियाटिक टिश्यूज की जो कोशिकाएं पादप के लिए बहुत उपयोगी उपापचय कार्यों के लिए उपयुक्त स्थल मानी जाती है। प्लांट्स में पैनक्रियाटिक टिश्यूज जो होते हैं कोशिकाएं जो होती हैं ये टर्जर्ड रहती हैं। इस टर्जर्डिटी के कारण पौधा जो होता है वो सीधा खड़ा रहता है और इन कोशिकाओं में जल का अभाव हो जाता है, तब कोशिकाएं फ्लैसिड हो जाती हैं और पौधा मुरझा जाता है। ये सब मैंने आपको पैनक्रियाटिक टिश्यूज के बारे में बताया। अब हम सिंपल टिश्यूज का नेक्स्ट लेंगे, दैट इज कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमेटस टिश्यूज जो होते हैं ये टेंजाइल स्ट्रेंथ या तनन सामर्थ्य प्रदान करते हैं या मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं प्लांट्स को। ये कोशिकाएं जो होती हैं ये प्रोबकैम्बियम से उत्पन्न होती हैं और मैस्टमेटिक कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। ये भरण ऊतक का ये भी भरण ऊतक का निर्माण करती हैं। ज़्यादातर मृदुतक कोशिकाओं के कोणों पर कुछ डिपोजिशन पाया जाता है, ज़्यादा सामान्यतः जो स्टेम होते हैं या पर्णव्रंथ या पत्तियों के परिधि क्षेत्र में ठीक एपिडर्मिस के नीचे कुछ परतों तक ये उत्तक पाए जाते हैं। ये तनों के अक्ष की परिधि पर चारों ओर कंटिन्यूस परत के रूप में भी पाए जाते हैं। कॉलेनकाइमेटस जो टिश्यूज होते हैं वो अंडरग्राउंड स्टेम और रूट्स में एब्सेंट होते हैं। ये एरियल रूट्स में पाए जाते हैं जैसे कि रूट्स ऑफ मोनेस्ट्रा, मोनोकॉट्स के अंदर, मोनोकॉट्स प्लांट्स के अंदर इनकी पत्तियों तनों में ये उपस्थित नहीं होते, कॉलेनकाइमेटस टिश्यूज नहीं पाए जाते। ये हमने कॉलेनकाइमा के बारे में पढ़ा कि कॉलेनकाइमा कहाँ कहाँ पाया जाता है और किस टाइप के टिश्यूज होते हैं। ये ज़्यादातर स्टेम, लीव्स, फ्लोरल पार्ट्स और फ्रूट्स में भी पाए जाते हैं, एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं, कुछ पैनक्रियाटिक टिश्यूज के नीचे भी कुछ फ्यू लेयर्स होती हैं इसकी। इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है। इसकी जो शेप होती है
वो कई प्रकार की होती हैं। ये वैसे तो पैनक्रियाटिक टिश्यूज जैसे ही लगते हैं, उन्हीं से बनते हैं ये, इसलिए, पर इनकी क्या भित्ति में कुछ डिपोजिशन पाया जाता है और ये लंबाई में भी अधिक होते हैं। इन कोशिका, ये जो कोशिका होती है छोटी होती हैं, लंबी होती हैं और फाइबर के समान होती हैं। इनके अंदर अंतर कोशिकाएं वायुस्थान छोटे या एब्सेंट होते हैं। कॉलनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाई जाती। अब अगर हम कॉलनकाइमा की सेल वॉल के, कॉलनकाइमेटस टिश्यूज के सेल वॉल के बारे में हम पढ़ें, तो कॉलनकाइमा की जो भित्ति होती है वो, उसकी जो मोटाई होती है वो चारों ओर समान रूप से नहीं होती है। इसकी कोशिका भित्ति में लिग्निन उपस्थित नहीं होता, बल्कि सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन का डिपोजिशन पाया जाता है। क्योंकि इसमें पैक्टिन होता है, इसलिए इसकी जो वॉल्स होती हैं उनके अंदर पानी की मात्रा अत्यधिक होती है। कॉलनकाइमेटस टिश्यूज जो होते हैं ये तीन प्रकार की होती हैं, एंगुलर, लैमुलर एंड लैक्यूलर। जो लैक्यून एंगुलर जो होती है वो इस टाइप, वो इसके एक्चुअली क्या है कि जो इनके जो सेल वॉल्स पे जो डिपोजिशन होता है उसके आधार पे कॉलनकाइमेटस टिश्यूज को तीन में डिवाइड किया गया है। तो जो एंगुलर कॉलनकाइमा है उसमें जो डिपोजिशन होता है वो एंगल्स के कॉर्नर्स पर पाया जाता है, जैसे कि बिग्नोनिया, इसका एग्जाम्पल बिग्नोनिया बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फिर है लैमलर। लैमलर के अंदर जो डिपोजिशन होता है वो टेंजेंशियल वॉल्स पे ज़्यादा पाया जाता है, बल्कि रेडियल वॉल से। रफेनस इसका एग्जाम्पल है, जिसकी कॉर्टेक्स में ये टिश्यूज पाए जाते हैं। फिर है लैक्यूनर। लैक्यूनर कॉलनकाइमा जो होता है वो जितने भी इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं उसके चारों तरफ डिपोजिशन के कारण उसको लैक्यूनर कहा जाता है। तो मैंने आपको तीन प्रकार के कॉलनकाइमा टिश्यूज के बारे में बताया। अब हम नेक्स्ट लेंगे स्क्लेरेनकाइमा। ये स्क्लेरेनकाइमा सिंपल टिश्यूज का लास्ट टिश्यू है। स्क्लेरेनकाइमा की उत्पत्ति भी जो होती है वो पैनकाइमा से ही होती है, परंतु जब पैनकाइमा की सेल लंबी, थोड़ी संकरी और दोनों सिरों पे नुकीली हो जाती है और इनके सेल वॉल पर लिग्निन का जमाव हो जाता है, तो ऐसे पैनकाइमा सेल्स होते हैं वो स्क्लेरेनकाइमा कहलाने लग जाते हैं। उन्हें स्क्लेरेनकाइमा कहा जाता है। लिग्निन जो होता है वो जल के प्रति अपारगम्य होता है, अतः लिग्निन के जमाव से सेल में पानी की, जल का अभाव हो जाता है, जिसके कारण जो सेल होती हैं वो मृत हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। इसलिए स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स को डेड सेल्स कहा जाता है। तो सिंपल टिश्यूज में स्क्लेरेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं लिग्निफिकेशन के कारण, लिग्निन के डिपोजिशन के कारण। स्क्लेरेनकाइमा को दो दो प्रकार के सेल्स होते हैं स्क्लेरेनकाइमा में, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स एंड स्टोन सेल्स। स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स जो होते हैं, इन फाइबर्स की जो सेल्स होती हैं वो लंबी, पतली, सिरों पे नुकीली होती है। इनकी सेल वॉल पे लिग्निन का जमाव हो जाता है और सेल वॉल पर जगह जगह सिंपल पिट्स, छोटे छोटे पिट्स उपस्थित होते हैं। ये फाइबर ज़्यादातर पौधे के कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, जाइलम व फ्लोएम में पाए जाते हैं, परंतु मोनोकोट प्लांट्स में ये फाइबर वेस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ शीट के रूप में या वेस्को बंडल के ऊपर या नीचे पैच के रूप में उपस्थित रहते हैं। पौधों में इन फाइबर्स की स्थिति के अनुसार इन फाइबर्स को फिर दो भागों में बांट दिया गया है। मीन्स क्लाइमकामेटस फाइबर्स को फिर दो भागों में डिवाइड किया गया है, जाइलम फाइबर्स। जो जाइलम फाइबर्स होते हैं, इसे वुड फाइबर्स या सेकेंडरी जाइलम की वेसल्स की उपस्थिति होती है, इसलिए इसे जाइलम फाइबर्स
कहा गया है, और दूसरा है फ्लोएम या बास्ट फाइबर्स। इन फाइबर्स की उत्पत्ति प्राइमरी फ्लोएम से होती है, इन्हें पेरिसाइकिल या पेरिवेस्कुलर फाइबर्स भी कहते हैं। इनके जो तंतु होते हैं वो हार्ड ना होकर के बहुत सॉफ्ट होते हैं। इन तंतुओं से रस्सी, बोरे, चटाइयाँ, सूतली आदि बनाई जाती हैं। फिर है स्टोन सेल्स या स्क्लेरेट्स। स्टोन सेल्स जो होते हैं उनकी आकृति या आकार में बहुत भिन्नता पाई जाती है। इनमें सेकेंडरी वॉल अत्यधिक मोटी होती है, जैसे कि नाशपाती है, इसका जो पल्प है ये एसोडर्म डायमेट्रिक रूप में उपस्थित होता है इसमें, और ये ब्रैकी स्क्लेरेट्स कहलाती है। नारियल की जो अंतःफल भित्ति होती है ये खंबाकार के रूप में उपस्थित होते हैं, जिसे मैक्रोस्क्लेरेट्स कहा जाता है। मटर का जो बाहर का कवर होता है वो खंबाकार के रूप में उपस्थित होते हैं, उसे ऑस्टियोस्क्लेरेट्स कहा जाता है। चाय की पत्ती में स्टार शेप में उपस्थित होते हैं, इन्हें एस्टरोस्क्लेरेट्स कहा जाता है। जैतून की लीफ में ब्रांच हेयर के रूप में उपस्थित होते हैं, इन्हें फिलिफॉर्म स्क्लेरेट्स कहा जाता है। पौधों के काय में ये समूह में या फिर सिंगल रूप में उपस्थित होते हैं। सिंगल स्क्लेरेट्स को इडियोब्लास्ट भी कहते हैं। ये मैंने आपको स्टोन सेल्स के बारे में बताया है सारा। तो सिंपल टिश्यूज में हमने पैरेन्काइमा पढ़ा, पैरेन्काइमेटस टिश्यूज पढ़े, और स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज के प्रकार भी हमने पढ़े। इनका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है प्लांट को यांत्रिकी दृढ़ता प्रदान करना, मीन्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करना। ये ज़्यादातर ज़ेरोफिटिक प्लांट्स में होते हैं, और इसलिए ज़ेरोफिटिक प्लांट्स में ये इतने स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये दृढ़ता प्रदान करते हैं। और ज़ेरोफिटिक कंडीशंस के अंदर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, विंड वेलोसिटी बहुत अत्यधिक होती है, जिस कारण से पौधे, अगर ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ ना मिले तो पौधे टूट करके गिर सकते हैं। तो ये पौधे जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो वो झुक जाते हैं, परंतु टूटने के बजाय वापस अपने पोजिशन पर आ जाते हैं। तो स्टोन सेल्स का ज़ेरोफिटिक प्लांट्स में एक बहुत बड़ा रोल होता है। मैंने आपको परमानेंट टिश्यूज के सिंपल टिश्यूज सारे समझा दिए हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।